और सीधा आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर तिलकेश्वर गौशाला में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री और संबोधित कर रहे हैं। घोर अंधकार के बीच दीप का एक प्रकाश, जो प्रकाशमान होती दुनिया, ये जीवन देती है, ये उजाला। ललक देती है मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबको दीपावली के अवसर पर। हमारे अपने त्योहारों में क्या त्योहार है, परमात्मा की कोई लीला है? जीवन तो सबका आता है, जीवन के साथ, जन्म के साथ, मृत्यु तक लगातार उत्सव पूर्ण संस्कृति के कारण से भी हमारी सनातन संस्कृति जानी जाती, जहां रोज तीज त्योहार पर्व इसका आनंद आता है। इसी के साथ जीने के लिए लगातार ललक बढ़ती, जीवन में कितने कष्ट आए लेकिन कष्टों के बीच रोज मुस्कुराने का मौका मिलता है, रोज आनंद बांटने का मौका मिलता है, और आनंद तब बढ़ता है। और गौ माता के साथ तो आनंद ही क्या है, हमारे लिए तो और आनंद बढ़ जाता है जब 33 करोड़ देवी देवताओं का आवास जिस गौ माता में हो, उस गौ माता को साक्षी रख करके हमारे जीवन में गौ माता के कितने प्रकार के गुण हैं, आप कभी अंदाज लगा लो। अपने यहाँ कई पर्व होते हैं, कोई दक्षिण भारत में किट्टू बोलेगा, कोई किसी प्रकार से बोलेगा, लेकिन ये हमारे उनके बीच के संबंधों को स्थापित करने के, दीपावली या उसके आसपास के जो त्योहार रहते हैं, आप अंदाज लगा लो, 10-10 लोग नीचे सुला दो, ऊपर से गौ माता को दौड़ाओ, तो मान के चलो कि गौ माता अपने आप का शरीर का भार इतना हल्की कर लेती कि वो किसी के प्राण नहीं लेती। ये उनका अपना देवी गुण है कि वो हमारे हाथ से न केवल वो अपने आंचल से हमको जीवन देती, ये गौ माता ही है जो प्रकृति के समान, परमात्मा के समान जीते जी हमको जीना सिखाती है। आपके बच्चे को भी पालती है, अपने बच्चे को भी पालती है, अपने खून से वो जो आनंद बरसाती है, इस अमृत के लिए तो देवता भी तरसते, इसलिए कामधेनु वो अपने यहाँ रखते हैं। और हम सब के बीच में भी ये गोवंश इतने बड़े पैमाने पे दिया दुनिया के अंदर, आज जब भारतीय संस्कृति के अलग अलग रहस्यों से दुनिया परिचित हो रही है, कितना अच्छा लगता माननीय मोदी जी ने कोविड के काल में, और अब तो ये स्थापित हो गया कि हाथ मिला के मनोज संस्कृति की विशेषता है। आज इस भाव को हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आज भी शुद्ध गौ माता का दूध अगर ईमानदारी से देसी गोवंश का, और भारत के अंदर तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की गौ माताएं हैं, वो गौ माताएं अपनी प्रकृति पर्वत जो वहाँ का प्रदेश वो परिदृश्य है उसके अनुसार अपना जीवन ढाल लेती। जहाँ पंजाब में साहिवाल बड़ी ऊंची पूरी गाय माता और पर्याप्त दूध वहाँ पचाने की दम भी है, और पहाड़ों पर छोटी गौ माता, जहाँ गोवंश को खाने का घास कम मिलेगा तो उनके जीवन में जो थोड़ा बहुत आखिरकार जो मिल रहा है उसके साथ तादाद में बनाती है। हमारे समुद्री तटों पर भी वो छोटी छोटी गौ माता है, लेकिन आज वो पुंगरू जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का, हमारे गोवंश के लिए जाने अनजाने हमसे जो पाप हुए हैं कि हमारे गोवंश को मिटा करके हम देसी को हटा करके विदेशी को लेकर आए ना, हमको क्या बोलते चौबे जी छब्बे बनने गए और दुबे रह गए, ना यहाँ के लिए ना वहाँ के लिए। आज पलट के वापस समय आया है कि हम अपने गोवंश की रक्षा करें, अपने गोवंश के गीत गाएं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी, हमने रोज अलग अलग प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बने। ये सारे तीज त्योहार समाज तो मनाता ही है, समाज के साथ सरकार क्यों खड़ी नहीं होना चाहिए, सरकार को आनंद क्यों नहीं आना चाहिए, और इसमें शर्माना क्या? अरे गौ माता की पूजा करेगा, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो हमारा अपना कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। मेरे कई विरोधी आज भी कह रहे हैं अरे आप क्या कर रहे हो, तो गोवर्धन पूजा पहले ही थी। अरे भैया, एक हमारे बड़े नेता कांग्रेस के आज का उनका टिप्पणी है, हमने कहा आपने भी 10 साल चली थी सरकार, लेकिन आप तो कभी कार्यक्रम में जाते थे तो गौ माता के नाम तो छोड़ो, जो गो कसी करते थे उनके साथ मंच पे बैठ करके अपने आप को सम्मानित कराते थे, शर्म आना चाहिए आपको। आप किसकी बात कर रहे हो? आपने इस गोवंश के लिए जितना नुकसान किया, याद करो वो सारी बातें, भगवान
माफ करे, सबको माफ करे, दीपावली की मैं तो सबको मंगल कामना देता हूँ, लेकिन इसे करने से आपके पुराने पाप धुलेंगे नहीं। आपको सबके बीच आकर के ये पुनर्स्थापित करने की जो परंपरा चालू की है उसके ऊपर गर्व और गौरव का एहसास होना चाहिए। आइए आप में दम हो आज भी तो खुलेआम को कहा हाँ, गोवंश की आप पूजा करिए, गोवर्धन पूजा में हम भी शामिल होंगे, आप भी शामिल होंगे, होना तो ये चाहिए। हमारे ऐसे अतीत में गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधार ले तो तब वापस बदलाव आ जाता है। ये तो अंदर के भाव चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आप नहीं करोगे। अरे ये वही लोग हैं जो आज भी भगवान राम की दीपावली मनते देख करके इनके छाती पे सांप लौट रहा है। ये कह रहे हैं कि राम जी का क्या हो गया, राम मंदिर का क्या हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पता नहीं क्या क्या हुआ था, इनके नेता पप्पू जी ने क्या क्या बोला था। याद करो, हम सब स्मरण करें इस बात का, इस देश का करोड़ों करोड़ों देशभक्त लोगों को ये अपने संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं है। इससे हम गहरी सोचते हैं तो इनको इनकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और अब तो बदलते दौर का समय है, आज जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमने गोवर्धन पूजा करते करते संकल्प लिया, आज नहीं तो कल जमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे, उसका एहसास हमको होगा। हम उस दौर के लिए जिंदा है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अरे जिनने अपने जीवन में सदैव अपने आप को गोपाल कहलाना आनंद के साथ धारण किया, जो गाय पाले वो गोपाल, गोपाल और कहां से लाएंगे, गोपाल जो गौ माता को पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने और गाय पाले वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि ये सभी गौशालाओं के लिए जो अनुदान प्रति गौ माता 20 रुपए था उसको 40 रुपया प्रति गौ माता किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमारी जितने नगरीय निकाय हैं अभी क्रम से आ रहे हैं, बड़े बड़े नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद, एक एक विधानसभा में दो दो तीन गौ माताओं की गौशाला बनाई जाएगी। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। अरे अपने वृद्ध माता पिता को थोड़ी वृद्ध आश्रम में भेजना पड़ता है, वो तो हमारे घर के गहना है, उनका आशीर्वाद रहता है, लेकिन वृद्ध गौ माता है अगर कोई सड़क पे मिलती है, अपाहिज मिलती है, बीमार मिलती है, घायल मिलती है, उसकी चिंता करने का काम सरकार करेगी, ये हमने निर्णय किया है। इसलिए नगर निगम उज्जैन अभी कमिश्नर खड़े हैं, कितनी गौ माता की क्षमता से गौशाला बना रहे हैं, 5,000 की गौशाला उज्जैन में बन रही, जोरदार अभिनंदन करो। 10,000 की गौशाला इंदौर में बन रही है, 9,000 की गौशाला ग्वालियर में चल रही है, भोपाल में 10,000 की बन रही है, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, जितनी नगर निगम है अपनी, जितना गोवंश गौ माताएं या बछड़े या बूढ़ी गाय माता के अन्य बच्चे कोई कारण से बीमार है और घर में आप संभाल नहीं सकते हो, अरे मेरा बस तो चले कि सारा गोवंश जो दूध नहीं देता उसको हम रख ले, वो दूध देने वाले घर घर पहुंचा दे कि आप दूध खाओ, वो दूध खत्म हो जाए तो वापस हमारे पास पहुंचा दो। ये आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। जब हमने कहा कि हम अपने सभी प्रकार से पोषक तत्वों के साथ अपने परिपूर्ण जीवन के लिए समाज कल्याण विभाग एक सरकार चलाता है, तो इससे बड़ी पोषकता क्या होगी। गाय के लिए पता नहीं क्या रोज खाओ अंडे, पता नहीं मेरे को तो शर्म आती सुन के भी, गाय का अंडे मंडे संडे की बात करते, अरे दूध पियो, 1 लीटर पियो, 2 लीटर पियो, खूब पचाओ, दौड़ते दौड़ते जाओ पता ही नहीं चलता, इतना आनंद आता है। हमारे यहाँ जो वर्षों से ये परंपरा रही है, तो इस परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए हम और आप सब मिल करके आज तिलकेश्वर महादेव में कलेक्टर और कमिश्नर यहाँ होंगे, अधिकारी भी होंगे, आप सब याद रखना ये सिंहस्थ का हमारा एक तरह से पहला मंदिर है जो सीमा क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाता है। इधर वैष्णव उधर सेव दोनों के बीच में हमारे तिलकेश्वर महादेव जो सभी व्यवस्था में तिल भर बड़े हैं, तो हम इस स्थान को भी बहुत भव्य करेंगे, गौशाला भी अच्छी करेंगे, और इस प्रकार की दिवाली मनाने का मौका मिल जाए तो लगता है कि हमारे पूरे सारे जन्म सफल हो जाते, इतना आनंद बरस रहा उज्जैन में। आज के अवसर पर माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी हमारे विधायक, और आप चिंता मत करो मैं सब करूंगा, अभी आज धीरे धीरे आज दिवाली का आनंद लो। अनिल जी विकास के मामले में एक के बाद एक काम बताते रहते हैं। अनिल जी बैठो, अगली बार भी आऊंगा, आज ही आज थोड़ी आया हूँ, आज भी आऊंगा, कल भी आऊंगा, आए तो तिलकेश्वर की बात कर दे दो, गौशाला की बात कर दे दो, और बहुत सारी बातें, गाना बहुत अच्छा था, पर्दे में रहने दो।
बहुत सारी बात है, समय के साथ बताते जाएंगे। आज नहीं तो कल वो सब मिलता जाएगा जो आपने सोचा है, लेकिन कुछ आज कहेंगे कुछ कल कहेंगे, लेकिन कहते जरूर रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः हमारे बाबा उमेश नाथ जी महाराज माननीय सांसद राज्यसभा जोरदार सत्तारामानी जी, दिवाकर जी, शिरोमणि जी, राम तीरथ जी, एसपी कार्यक्रम में जो चार चांद लगाने का काम किया दादा नान दादा के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करें। और नमन मीणा जी, मनोज सत्तारामानी जी, दिवाकर जी, शिरोमणि जी, राम तीरथ जी, एसपी कार्यक्रम में जो चार चांद लगाने का काम किया दादा नान दादा के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करें। और सत्तारामानी जी, दिवाकर जी, शिरोमणि जी, राम तीरथ जी, एसपी कार्यक्रम में जो चार चांद लगाने का काम किया दादा नान दादा के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करें। और हमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और यहाँ पर वो संबोधित भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि गोवर्धन पूजा का आखिर महत्व क्या है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, विपक्ष को भी निशाने पर मुख्यमंत्री ने लिया है कि गोवर्धन पूजा को किस तरह से किनारे किया जाता था, किस तरह से इसको इग्नोर किया जाता था। ये भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका जिक्र किया कि गोवर्धन पूजा को पहले इस तरह से नहीं मनाया जाता था जैसे हम इस तरह से मना रहे हैं। कार्यक्रम में जो चार चांद लगाने का काम किया दादा नान दादा के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करें। और ये उससे पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां गौ सेवा की है और विशेष प्रकार की जो चीजें हैं आज खिलाई गई हैं गौ माताओं को और खुद अपने हाथों से चारा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाया है इन गायों को, क्योंकि गौ सेवा आज की है गोवर्धन पूजा के अवसर पर। तो तिलकेश्वर गौशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और यहां पर मुख्यमंत्री गौ सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यहां लोगों को संबोधित भी किया है और सभी से गोवर्धन पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। तो आज से ही गोवर्धन पूजा शुरू हो गई है और कल तक जारी रहेगी, तो कल भी अलग अलग जगहों पर गोवर्धन पूजा की जाएगी और उसके लिए तमाम तैयारियां अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं सभी विधायक और